सूरत के नेहरू चौक में एक घर में अचानक आग लगने की वजह से पति पत्नी और तीन बच्चे झुलस गए। घटना में झुलसे सभी का उपचार जारी है। उमरेड के नेहरू चौक निवासी सुभाष साहू घर में ही रुचि किराना की दुकान चलाता है। बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि में लगभग 2:30 बजे सुभाष साहू का परिवार घर में सोया हुआ था। अचानक आग की लपटें उठने और धुएं की वजह से दम घुटने से पति पत्नी ने बच्चों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक इस घटना में पति पत्नी और तीन बच्चे झुलस गए हैं, जिनका उपचार जारी है। वहीं इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे दो बच्चों को नागपुर रेफर किया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात थे। उमरेड पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुभाष साहू जी हैं, उनके यहाँ पर आग लगी है, साथ में दुकान में और उनके दो बच्चे, तीन बच्चे और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। उनको रात में आरोग्य हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अभी प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको नागपुर रेफर किया गया है। बाकी फॉरेंसिक की मांग चुकी है, टीआई साहब और पूरे थाना स्टाफ सबके द्वारा जाँच की जा रही है। जो भी कुछ इसमें जाँच के बाद जो पाया जाएगा वो आप लोगों को बताएंगे। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।